अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो सोबी सोबिया हाजिर है अपने नए रिव्यू के साथ। तो आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू लेके आई हूँ वो मेरे पास है मेटाफिल का लोशन, जो आपकी स्किन को कम्प्लीटली मॉइस्चराइज करता है। सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर इस लोशन की मैं बात करूँ, ये मेरी बहन ने यूज़ की है, उनकी स्किन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई थी। उनकी स्किन पे वाइट पैचेस बन जाते थे। जब आपको पता है कि स्किन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई होती है, उन लोगों की स्किन के साथ बहुत इशू होते हैं। कुछ की स्किन तो ठीक होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है, कुछ की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, और कुछ की स्किन गर्मियों सर्दियों में उनके साथ एक ही इशू होता है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश्क होती है, ड्राई होती है, ठीक है। तो मेरी बहन के साथ भी यही इशू था, उनकी स्किन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई थी। गर्मियों में उनकी स्किन पे आप यकीन नहीं करेंगे, वाइट पैचेस इस तरह पड़ जाते थे कि उधर दाने निकल आते थे, इस कदर खुश्की थी, ठीक है। वाइट पैचेस बन जाते थे, फिर वाइट पैचेस की वजह से उनकी स्किन उतरना स्टार्ट हो जाती थी और उसके ऊपर दाने निकल आते थे। तो वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने उन्हें जो सजेस्ट किया, डर्मेटोलॉजिस्ट ने मेटाफिल का लोशन सजेस्ट किया। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके लगाने के बाद इस लोशन को उन्होंने जस्ट एक बोतल यूज़ करी उन्होंने, तो इस लोशन के लगाने के बाद उनकी स्किन का इशू सॉल्व हो गया, उनकी स्किन नॉर्मल हो गई, ठीक है। और ये आपको 1800 में मिल जाएगा, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से मंगवा लें आप लोग। और ये 150 ml की बोतल में है और ये 6 to 7 month आपको बहुत रहेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपने इसे यूज़ कैसे करना है, आप लोगों ने जब भी इसे यूज़ करना है किसी अच्छे से फेस वॉश से अपना पहले तो मुंह धो लें, फिर इसको यूज़ करें, दिन में एक दफ़ा यूज़ कर लें, ठीक है। जब भी आप लोग फेस वॉश करें आप लोग इस लोशन को ज़रूर यूज़ करें, तो आपका जो इशू है इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये लोशन आप लोग लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये आपका लोशन जैसे हम लोग कोई ऑयली चीज़ लगा देते तो मुँह चमचम कर रहा होता, ऐसा नहीं है। ये कम्प्लीटली आपकी स्किन ऑब्जॉर्व कर लेगी लोशन को, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा कि आपने लोशन लगाया हुआ है। तो आप इसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस लोशन पे जो आप देख सकते हैं मॉइस्चराइज करता है, ये फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए, फॉर एवरी डे यूज़ एट एवरी एज, हर एज के लोग बाग इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप जब भी लें ऐसी चीज़ें तो किसी अच्छी फार्मेसी से लें, और ये आपकी स्किन को, एक तो आपकी जो स्किन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई उसको ठीक करता है, दूसरा इस लोशन का ये फ़ायदा है कि गर्मियों में सर्दियों में आप लोग यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देगा, आपकी स्किन ये नहीं होगी, डार्क नहीं होगी। अक्सर ये लोशन के साथ इशू होता है, हम जब भी कोई लोशन यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन डार्क हो जाती है, लेकिन इस लोशन को आप लोग यूज़ करेंगे तो यकीन जाने कि आपकी स्किन डार्क नहीं होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन ब्राइट होगी, ठीक है। तो ये लोशन हाईली सजेस्टेड है जिनके फेस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी स्किन ड्राई है, उनके लिए हाईली सजेस्टेड है। काइंडली ये लोशन आप ख़रीदें, अपने फेस पे चेक करें और मुझे बताएं कि आपके फेस पे इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। मेरी बहन के तो फेस पे आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा, उनकी स्किन भी अच्छी हो गई, और उनकी स्किन पे जो पहले उनके पैचेस बन जाते थे, वाइट पैचेस हर जगह, नाक पे उनके बन जाते थे वाइट पैचेस, सर्दियों में भी गर्मियों में भी एक ही इशू था, ठीक है। तो अब उनकी स्किन ने, उन्होंने जस्ट एक ये बॉटल यूज़ की है पूरी, तो ये 6 to 7 month आराम से यूज़ आ जाती है, तो उनकी स्किन पे सारे के सारे इशू सॉल्व हो गए। अब उनकी स्किन खुश्क नहीं रही, उनकी स्किन नॉर्मल हो गई है। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह का इसका टेक्स्चर है। तो ये इस तरह का वाइट से कलर में है, और अगर इसकी स्मेल की बात करूँ तो इसमें कोई स्मेल नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं मैंने इसको लगाया अपनी स्किन पे, तो कंप्लीट ऑब्जॉर्व हो गया, ये ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने स्किन पे कोई चीज़ लगाई वो लोशन। तो ये स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का रिव्यू आपने पसंद किया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।